हेलो गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में एल्डिहाइड और कीटोन्स की। आज हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये दो प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। एक बेसिस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और दूसरी होती है बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप। ठीक है, एक एल्किल ग्रुप के बेस पे और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप के बेस पे। कैसे, जिसे हम एल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो जनरल एग्जांपल हमने ले लिया RC डबल बॉन्ड हो H, ये हमारा क्या होता है एल्डिहाइड। इसमें R क्या है हमारा एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, एल्किल ग्रुप। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं इस बेस पे आती हैं और ये हमारा क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है हमारी किस आधार पे आती है, कार्बोनिल ग्रुप के आधार पे। तो पहले हमने क्या बताया बेसिस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और दूसरी क्या बताया बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे बेसिस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की। कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले रिएक्शन लेंगे रिएक्शन विद HCN। ठीक है, रिएक्शन विद HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स बोथ आर रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रेट। तो क्या करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स जो दोनों होते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं साइनोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर एल्डिहाइड से साइनोहाइड्रेट बनता है तो उसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट, अगर कीटोन से बनता है तो बोलते हैं कीटोन साइनोहाइड्रेट। ठीक है, तो रिएक्शन की बात करते हैं R, तो इस तरह से हम लिखते हैं सिंपल से समझ में आएगा C डबल बॉन्ड O H। क्या है हमारा ये एल्डिहाइड है, कोई भी जनरल एल्डिहाइड हम ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि एस्टर एल्डिहाइड या प्रोपेन एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे प्लस HCN। ठीक है, HCN की हम बात करते हैं तो HCN हमारा ब्रेक करेगा HK प्लस और CN के माइनस में। ठीक है, HCN में H हमारा ब्रेक कर जाएगा HK प्लस और CN में के माइनस में। अब इसमें कार्बोनिल ग्रुप है तो हम कार्बोनिल ग्रुप में जो है बॉन्ड है उसे ब्रेक कराएंगे। तो हमने लास्ट में बताया था वीडियो में कि इसमें क्या होता है एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो किसको पाई बॉन्ड को ब्रेक करा देंगे, ब्रेक कराने पे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड किधर का ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक करेगा, तो जिधर ब्रेक करता है उधर निगेटिव आ जाएगा, उसके ठीक अपोजिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो H का जो है कहां जुड़ेगा जाके O के पास में OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CN इससे C से जुड़ जाएगा जाके और बना देगा RCOH CN और H। ये जो कुछ जुड़ गया है तो ये क्या हो गया साइनोहाइड्रिन। ठीक है, साइनो इसलिए OH लिए हाइड्रिन ले जाते हैं, तो साइनोहाइड्रिन किससे बना है एल्डिहाइड से, तो नाम क्या हो जाएगा एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब इसी प्रकार से अगर हम कीटोन ले लेते हैं, ये देखो हमारा कीटोन हो जाता है, कीटोन के ऊपर कराएंगे तो सिमिलर इक्वेशन होगी। सिमिलर इक्वेशन मीन्स H प्लस और CN के माइनस में ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेगा आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद क्या करेंगे हम HK प्लस को फिर से हम O के माइनस के साथ जोड़ देंगे और जब O के माइनस के साथ जोड़े तो ये OH हो जाएगा और यहाँ पे ये R डैश और इस C से क्या जुड़ जाएगा CN जुड़ जाएगा और जब CN जुड़ जाएगा किससे बना है कीटोन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कीटोन साइनोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स बोथ आर रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रेट।
when aldehyde react for aldehyde cyanohydrin and ketone is formed ketone cyanohydrin. That is a clear. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रेजेंट. ठीक है, ग्रिगनार्ड रेजेंट फॉर्मूला बताइए होगा आर एम जी एक्स होता है. तो हम क्या करेंगे एल्डिहाइड अगर लेंगे इसी तरह से हम लिख लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप के आप बेस्ट करा रहे. यहां पर हमने ले लिया आर डैश एम जी एक्स. ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा आएगा निगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव. मेटल के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है. इसमें कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक करेगा. आर का प्लस कहाँ आ जाएगा आर का माइनस वाली सी से जुड़ जाएगा और ओ एम जी से ओ से एम जी एक्स जुड़ जाएगा. ये जो इक्वेशन होगी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी और देखो बनेगा कंपाउंड हमारा आर आर डैश. ठीक है, यहाँ पर एच लगा हुआ, चलो यहाँ पर एच लगा देते हैं और इधर लग जाएगा हमारा आर डैश ओ एम जी बी आर. ठीक है, ग्रिगनार्ड एजेंट मेनली जो है टू स्टेप रिएक्शन देता है. फर्स्ट स्टेप रिप्रेजेंट इन ड्राई ईथर एंड सेकेंड स्टेप है हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस इसकी करा देंगे एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो ये ब्रेक करेगा एच प्लस और ओ एच के माइनस में. तो ये वाला बॉन्ड हम फिर से ब्रेक करा देंगे आ जाएगा निगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव ओ एच का माइनस इससे आके जुड़ जाएगा. देखो बना देगा आर सी एच पे आर डैश और ये क्या हो जाएगा ओ एच प्लस एम जी ओ एच बी आर 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 डैश. देखो इसका नाम क्या हो जाएगा देखो एल्कोहल बना हुआ है दो एल के ग्रुप लगे हुए हैं. दो एल के ग्रुप का मतलब सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर कीटोन लेते हैं, चलो हमने सिमिलर कीटोन ले लेते हैं. सिमिलर कीटोन का मतलब जिनमें जो है एल्किल ग्रुप सिमिलर होंगे तो उसमें सिमिलर कीटोन बोलते हैं सेम. ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ले लिया आर डैश एम जी बी आर ले लेते हैं. चलो ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स ले रखा है. ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा ये वाला बॉन्ड फर्दर इधर ब्रेक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा. आर का जो निगेटिव चार्ज है इसके पास आ जाएगा. प्रेजेंस क्या रहेगी, प्रेजेंस हमारी वही रहेगी क्या ड्राई ईथर. और प्रेजेंस के बाद हमारा क्या बन जाएगा आर सी आर यहाँ पे क्या जाएगा आर डैश सिंगल बॉन्ड ओ एम जी बी आर. फर्दर जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस कराएंगे ब्रेक करेगा H प्लस और OH के माइनस में. इस तरीके से H का प्लस कहाँ जाएगा इसके पास में OH का माइनस इधर आ जाएगा. जब क्या बना देगा आर सी आर आर डैश और OH प्लस एम जी ओ एच बी आर नाम हो जाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड. अब तो ये तीन एल्किल ग्रुप लगे हैं तो तीन एल्किल ग्रुप लगे तो टर्शियरी एल्कोहल बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमी. रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमी, तो हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला था हाइड्रोक्सिल एमी मतलब NH2OH. ठीक है, ये होता है मेरा हाइड्रोक्सिल एमी. हाइड्रोक्सिल एमी लिखे क्या हो जाता है हाइड्रोक्सिल एमी. तो क्या करेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एच सिंगल बॉन्ड एन एच ओ एच इस तरीके से ब्रेक करा देंगे. सॉरी इधर एन की तरफ बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा. अब देखो क्या बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे ओ एच सिंगल बॉन्ड एन एच सिंगल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे क्या जाएगा एच. क्या करेंगे फर्दर इस बॉन्ड को ब्रेक करा देंगे. ठीक है, एच का प्लस क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल को
रिमूव कर देगा और इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आर सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच, तो ये बनता है ऑक्सिम, नाम होता है ऑक्सिम, और किससे बना है, एल्डिहाइड से, तो क्या नाम हो जाएगा, एस एल्डो ऑक्सिम, क्या हो जाएगी क्या, एल्डो ऑक्सिम, ठीक है। अब अगर हम यहीं पर ले लेते हैं कीटोन, प्लस एच एन एच ओ एच, तो सिमिलर इक्वेशन दिखाते हुए चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। ओ एच और यहाँ पे क्या जाएगा, एन ओ एच और यहाँ पे एच, इस तरीके से इसे बॉन्ड को ब्रेक करा दो, इसे ब्रेक करा देंगे तो क्या जाएगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद जो है एन ओ एच, इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोक्सिन, क्या हो जाएगा, कीटोक्सिन। तो इस प्रकार जो है ग्रिग्नार्ड रेजेंट और हाइड्रोक्सिलेमिन से हम इक्वेशन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन इज रिएक्शन विद हाइड्राजी, कौन सी रहेगी, रिएक्शन विद हाइड्राजी, हाइड्राजी का फार्मूला होता है N2H4 और NH2NH2, ठीक है, ये होता है हाइड्राजी का फार्मूला। हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं। अब देखो हाइड, ये हमारा हाइड्राजीन का ही फार्मूला है NH2 NH2, इस बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे इस तरीके से, इसे इस तरीके से ब्रेक करा दो, ठीक है, और बन जाएगा OH सिंगल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड NH2, इस तरीके से बन जाएगा। क्या करेंगे, फिर से यहां से हम निकालेंगे और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद क्या बन जाएगा, NH2। अब एल्डिहाइड जब कभी भी हाइड्राजीन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा हाइड्राजोन, क्या बनाएगा, हाइड्राजोन। तो अब ये किससे बना रहा है, एल्डिहाइड से, तो इसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड हाइड्राजन, क्या नाम हो जाएगा, एल्डिहाइड हाइड्राजन। कीटोन से बनाएगा तो कीटोन हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल के लिए ले लो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर प्लस एच एन एच एन एच टू, इसी तरीके से दिखाएंगे। ऊपर वाली रिएक्शन को देख के नीचे वाली इक्वेशन को हम आसानी से छाप सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिमिलर उसी प्रकार से चलते रहना, सिर्फ जहां पे ये एच है वहां पे आर आ जाएगा, बस इसी प्रकार से जो है हम इसे लिखते हुए चले जाएंगे, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, ये सिमिलर इक्वेशन है। अब देखो क्या बन जाएगा, कीटोन से बना हुआ डबल बॉन्ड NNH2, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा कीटो हाइड्राजोन या कीटोन हाइड्राजोन, इस तरीके से। और नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन। अब फेनिल हाइड्राजोन में क्या करेंगे, यहां से एक एच को रिप्लेस कर देंगे फेनिल ग्रुप के द्वारा, देखो कैसे, C6H5, यहाँ पे दो NH2 था, एक H को हमने फेनिल यानी कि C6H5 के द्वारा रिप्लेस कर दिया, लेकिन इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ पे फेनिल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होगा, R
C6H5। इस तरीके से इसे हम दिखा देंगे। यहां से वाटर मॉलिक्यूल को हम फिर से रिमूव कर देंगे, ठीक है, और बना देंगे RCH। अब यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड NHC6H5, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा, एल्डिहाइड फेनिल हाइड्राइड, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्शन हमारी सारी सिमिलर ही जा रही है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एल्डिहाइड की आप लोगों को इसी तरह से करके दिखा दूंगा, कीटोन की आप लोग जो है क्या करेंगे अपने आप कर लेंगे, तो जिससे क्या होगा आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो इसमें जो है फेनिल फेनिल हाइड्राइड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ R के लिए पे क्या करेंगे, H के लिए पे एक दूसरे R को ले आएंगे, R को लाने के बाद सिमिलर इक्वेशंस में हम क्या करेंगे H के लिए पे R को करते हुए चले जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे एल्डिहाइड हाइड्राजन बना है, R ले लेंगे तो कीटोन हो जाएगा, तो यहाँ पे कीटोन फेनिल हाइड्राजन जोन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन इज रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बात करते हैं एल्डिहाइड की इक्वेशन की, हम लेते हैं सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एच प्लस एच, ठीक है। कई रेजेंट होते हैं, ले सकते हैं एनआई, प्लेटिनम, ग्लेडियम, जिंक अमलगम, बहुत सारे रेजेंट हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक कर, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन आती है डिमेंशन रिडक्शन, तो वो फिर क्या करते हैं एल्डिहाइड को सीधे जो है एल्केन में टूटती है, ऐसे इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम फर्दर रिडक्शन करा देंगे, फर्दर रिडक्शन कराने पर क्या होगा, OH बॉन्ड फिर से ब्रेक कर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन, ठीक है। एथेन है एल्केन, अब इसके बाद अगर हम ले लेते हैं ऑक्सीडेशन, तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, एल्डिहाइड लेते हैं के लोन पेड़ से क्या करेगा, OH पॉजिटिव बना रहेगा और OH बुला के इससे जुड़ जाएगा, तो ये देखो इस तरीके से कुछ बना देगा OH, ठीक है। क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम K2Cr2O7 ले सकते हैं, ऑब्लिक H प्लस, KMnO4 ले सकते हैं H प्लस, ठीक है, बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कीटोन कभी भी ऑक्सीडेशन की रिडक्शन नहीं देता है, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अब्सेंस होता है। तो ये याद रखेंगे कि ये इक्वेशन जो है कीटोन में नहीं करनी है। नेक्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं रिएक्शन विद अमोनिया, NH2 होता है HNH2 लिख दिया, एच का प्लस OH के माइनस के साथ जुड़ जाएगा, OH यहाँ पे क्या जाएगा NH2 और H यहाँ पे लगेगा। अब अमोनिया है एल्डिहाइड से ऐड करे तो इसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड अमोनिया, इसका नाम क्या है एल्डिहाइड अमोनिया। तो ये रिडक्शन इस तरीके से करेंगे एल्डिहाइड का, कीटोन में भी यही कर लेंगे, बस यहाँ पे H R के लिए पे H के लिए पे क्या लाएंगे R लाएंगे, इसमें ये इक्वेशन कीटोन नहीं देगा,
ये बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ऑक्सीडेशन की क्वेश्चन कीटोन नहीं रहे क्योंकि उसके पास प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेंस ऑफ अल्फा कार्बोहाइड्रोजन होता है और इसमें कीटोन कीटोअमोनिया का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन विद थायो एल्कोहल। ठीक है, तो थायो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, अभी बता रहे हैं, ये देखिए HSC2H5 अगर हम लेते हैं, सॉरी OH की जगह पे अगर SH लगा होता है, क्या होता है OH की जगह पे अगर S लगा होता है O की जगह पे, तो हम थायो बोल देते हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा। OH का पॉजिटिव इसके पास OH हो जाएगा, यहाँ पे H रहेगा, इससे क्या ले जाएगा SC2H5, इसके ऊपर हम फर्दर क्या करेंगे SH की इक्वेशन करा देंगे, तो ये यहां से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद जो है क्या बन जाएगा SC2H5 एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड से बना है, एल्डिहाइड ये जो बनता है मरकप्टेल होता है, क्या होता है मरकप्टेल। ठीक है, तो इसका नाम क्या एल्डिहाइड मरकप्टेल, कीटोन से बनाएंगे तो कीटोन मरकप्टेल हो जाएगा। रिएक्शन विद PCl5 क्या होगा, रिएक्शन विद PCl5 तो CH3 सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H प्लस ClPCl4। ठीक है, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करा दो, कार्बोनिक बॉन्ड हम ब्रेक करा दो, Cl का पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास है, पूरा PCl4 इसके साथ जुड़ जाएगा आपके, देखो क्या बन जाएगा CH3C और यहाँ पे H है, Cl और से क्या लग जाएगा PCl3 और सिंगल बॉन्ड Cl, इसे इस तरीके से ब्रेक करा दो, क्या बन जाएगा CH3CH एक Cl यहाँ लग जाएगा, एक Cl यहाँ लग जाएगा प्लस PO Cl3 फॉस्फोक्लोराइड है डाइक्लोरोएथेन। ठीक है, डाइक्लोरोएथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरीके से क्या करेंगे रिएक्शन विद थायो एल्कोहल में मरकप्टेल का फॉर्मेशन होगा, और PCl5 में क्या हो जाएगा हमारा ये बना हुआ है ये है मरकप्टेल, और इसका नाम क्या रिएक्शन विद PCl5 में डाइक्लोरोएथेन। ठीक है, रिएक्शन विद एथिल एल्कोहल। ठीक है, RC2H को H प्लस HOC2H5 क्या करेंगे बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने ये जो इक्वेशन होगी प्रेजेंस ऑफ HCl की प्रेजेंस में होगी, H का प्लस कहां जाएगा O के नेगेटिव के पास में, इस तरीके से ये OH का फॉर्मेशन कर देगा, और यहां पर क्या जाएगा OC2H5। फर्दर क्या करेंगे हम इसके ऊपर C2H5 OH की इक्वेशन HCl की प्रेजेंस में करा देंगे, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा, इसका नाम होता है एमी एसिटर। ठीक है, और यहां से क्या जाएगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद जो हमारा कंपाउंड बनेगा
वो हो जाएगा OC2H5, इसका नाम होता है एसिटल। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन की हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे की जगह पे अगर हम आर ले लेंगे तो बी माइनस एसिटल ही बनेगा, लेकिन वो कीटोन का होगा डेरिवेटिव और ये एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन की हम बात करते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन में इस तरीके से हमने ले लिया। कंडेंसेशन का मतलब होता है टू आर मोर देन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद टुगेदर। ठीक है, दोनों को हम एक साथ रिएक्ट करेंगे। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे हमने कार्बन की बॉन्ड ब्रेक करा दिया, यहाँ से हम अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन को जो हम रिमूव, एच इसके पास आ जाएगा और ये वाला पूरा कंपाउंड इसके साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा क्या OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा एच लगा हुआ सिंगल बॉन्ड CH2 है, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया CH। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद करते क्या है, हम यहाँ से इसे ब्रेक करा देंगे, एच का प्लस रिमूव होगा, यहाँ से इधर ब्रेक करा देंगे, क्या हो जाएगा OH का माइनस, दोनों मिलकर क्या करेंगे वाटर रिमूव कर देंगे, और वाटर को रिमूव करने के बाद हमारे पास कंपाउंड क्या बचेगा CH3, इन दोनों के बीच में क्या जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CHO, नाम होता है क्रोटोनल डिहाइड। ठीक, क्रोटोनल डिहाइड इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पे एल्डिहाइड और कीटोन्स की इक्वेशंस। अभी कुछ इक्वेशंस किस पे बाकी है हमारी, ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप, और कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो सिर्फ एल्डिहाइड शो करता है या सिर्फ कीटोन शो करता है, तो वो सारी इक्वेशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर किसी भी इक्वेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल को इस बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा।